तो राइट गेम के डेवलपर्स ने वैलोरेंट मोबाइल के बारे में कुछ न्यूज दी है और ऑल्सो कुछ रूमर्स वगैरह भी आ रहे हैं कि अपना जो गेम है 2024 में रिलीज होने वाला है। तो इसकी क्या रियलिटी है, आगे हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल चलो बात करते हैं इसकी रियलिटी के बारे में कि ये जो गेम है 2024 में रिलीज होगा कि नहीं। तो सबसे पहले ये तो कंफर्म है कि ये जो वैलोरेंट है मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए आ रहा है और इसका जो प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह फेस है वो भाई काफी नजदीक आ चुका है कि मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपको 2023 के सेकंड क्वार्टर में इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह मिले। बट यहाँ पे कुछ जो है फेक न्यूज वगैरह भी आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे जो है पूरी वैलोरेंट मोबाइल की एक वेबसाइट अवेलेबल है जहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो गेम को ऑफिशियली। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी तरीके से फेक है, हाँ, क्योंकि भाई अभी रजिस्ट्रेशन का फेस नहीं आया तो यहाँ पे डाउनलोड का कैसे आ गया। पहली बात तो ये देखो लगे साफ तरीके से पता लग रहा है कि कुछ फोटो को इधर उधर किया है, टेक्स्ट वगैरह लगा के दे दिया है, तो ये कम्प्लीटली फेक है। और ऑफिशियली वैलोरेंट का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था जहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एनड एलन ने कहा था कि जो वैलोरेंट मोबाइल की डेवलपमेंट है बहुत ही चैलेंजिंग जा रही है और जो है काफी स्लो इसमें काम हो रहा है। तो इसका काफी लोग अब मतलब निकाल रहे हैं कि अपना जो गेम है बहुत ही ज्यादा डिले होने वाला है, लाइक 2024 में आने वाला है और इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा पोस्ट वगैरह हुए हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो वैलोरेंट मोबाइल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिलीजिंग 2023 बट हैज अ हाई चांस टू ड्रॉप इन 2024। तो भाई अब इसका क्या मतलब है कि ये जो गेम है 2023 में नहीं आने वाला है? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि ये जो गेम है डिले हो रहा है फॉर मोबाइल के लिए, या फिर डेवलपर्स वगैरह बता रहे हो कि भाई 2024 में गेम आने वाला है, कुछ ऐसा भाई ऐसा किसी ने नहीं कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एग्जांपल सार्जोपी ने कहा था जॉब लिस्टिंग फॉर राइट गेम refer to Xbox, Nintendo, PlayStation, likely not for mobile. In the information, they ask for experience of taking gamers from Unreal Engine from moving to console. जो कि आप job listing में भी देख सकते हो, senior software engineer, Valorant console gameplay, console UI, जिसके ऊपर प्रेटिकेन ने भी अपना opinion दिया है, देख सकते हो. There were a lot of AI position open for mobile that were recently closed. Console may take longer than mobile, but I do not think it was a comment specific to console only. मतलब कि इनके कहने का ये मतलब है कि ये मेरे को नहीं लगता है कि ये कंसोल के लिए ही सिर्फ ये जो है ट्वीट किया गया है, पर ये पक्का है कि पहले मोबाइल आएगा देन कंसोल आएगा। और इसी के साथ में आप सभी को पता है कि जो वैलोरेंट की टेस्टिंग है इंटरनल टेस्टिंग भाई ईयर एगो से चल रही है, यानी कि साल हो चुका है उसे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे प्रीवियसली सार्ज ने एक और ट्वीट करके बताया था कि इसकी नेक्स्ट वीक जो है इंटरनल टेस्टिंग वगैरह कुछ होने वाली है, तो भाई वो भी हो चुकी है, ठीक है। लाइक एनडीए के अंडर उनकी जो है टेस्टिंग वगैरह हुई है फ्रॉम डेवलपर्स टीम वगैरह के अंदर। सो आप सभी यार कुछ कह नहीं सकते कि अपना जो गेम है 2023 में आने वाला है, 2024 में आने वाला है। कॉज कोई भी लाइक जो लीकर है डैनी एंगटल, जस्ट फॉर लीक, उसने किसी ने नहीं कहा है कि ये जो है 2023 या 4 में, ठीक है, सभी ने 2023 को ही मार्क किया है अभी फिलहाल तो। और डेवलपर्स ने भी ये नहीं कहा है कि भाई 2024 में आएगा। और अब बाकी भाई किसी को क्या ही पता गेम कब आ जाए, ठीक है। लाइक चाइना बीटा टेस्टिंग, किसी को क्या पता थी, टेस्टिंग वगैरह देखने को मिली और पता लग गया कि भाई डेवलपमेंट काम चल रहा है। और अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि 2023 में गेम आएगा या फिर 24 में, तो आप ये जो है ट्वीट भी देख सकते हो, वैलोरेंट मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन विल बी टॉप नॉच, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया चल रही है, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें इसके ओपन बीटा वगैरह के बारे में, तो ये देखो वैलोरेंट मोबाइल माइट रिसीव एन ओपन बीटा दिस ईयर 2023, यानी कि आपको 2023 के सेकंड क्वार्टर के बाद आपको जो इसका ओपन बीटा भी मिल सकता है। और ऑल्सो भाई ये गूगल ने भी बताया ओपन बीटा इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन सम टाइम इन 2023। राइट गेम एनड एलन सेड दैट इट करेंटली अंडर डेवलपमेंट, बट आई थिंक आपको इसकी जो है प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह के बाद ही आपको ये जो है इसका ओपन बीटा मिलेगा इन द थर्ड या फिर फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023, ओके। और बाकी गेम के ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है, तो देखते हैं भाई अपना जो गेम कब आता है, और होप सो भाई काफी जल्दी आ जाए तो बहुत बेटर है। और गाइस एक और जो है न्यूज वगैरह स्प्रेड हो रही है कि जो बैटलफील्ड मोबाइल के गेम डिजाइनर है हायर किए गए हैं फॉर वैलोरेंट मोबाइल, जो कि उसमें काम करेंगे। और भाई देखिए मेरे को नहीं लगता कि ये रियल होगी, ऑब्वियसली बात है, और एक बंदे को हायर करके भाई क्या ही हो जाएगा, मेरे को ये पता नहीं लगा। और इससे याद आया भाई वैलोरेंट को रिसेंटली एक और न्यू जॉब लिस्टिंग वगैरह आई है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो यहाँ पे जो है सार्जोपी ने बताया सीनियर गेम डिजाइनर की ये जो है जॉब लिस्टिंग हायर हुई है। इसका काम है कि यार जो पीसी के डिजाइन वगैरह थे वो मोबाइल में पोर्ट वगैरह हो और बढ़िया सा गेम शो हो फॉर ऑडियंस। और बाकी ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई भी न्यूज आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और बताना वीडियो कमेंट में कैसा लगा। आज के लिए इतने काफी है, बाय।